जी बहुत श्रद्धा से प्रयास कर रही हूँ। तमाम कर्जे होते हैं, किसान पर कर्जा है, पुत्र पर कर्जा है, गुरु का कर्जा शिष्य पर है, लेकिन तमाम कर्जे छोड़ रही, बस एक कर्जे मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों से निवेदन है, सुनेगा सुने। हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक है, लेकिन एक दिन राम जी बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं। भरतलाल जी ने पूछा, प्रभु आप चिंता में बैठे हैं? ओहो प्रभु आप चिंता में बैठे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? राम जी ने कहा, भरत मेरी चिंता का कारण यह है कि मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। प्रभु आप अपने धाम को जा रहे हैं, इसमें भी चिंता की बात है? बोले हाँ। बोले क्या है? तो राम जी कहने लगे, क्या बोले क्या? अरे दिल में जो बात है हम कैसे घटा पाएंगे, चुका सकता। क्यों क्यों लाए सजीवन बूटी लक्ष्मण का जीवन और सदा सेवा में समर्पण रहे आजीवन है। हनुमान जी महाराज ने कहा, चिंता ना करो। चिंता ना करो, हम है ना, अगर वो अमर है तो हम भी अमर है। तुम कब से अमर हो? बोले हम तो हमारी माता ने वरदान दिया है, अजर अमर गुण निज सुत हो। तो बोले अमर तो वो, तो अमर वो भी है, तो आप अमर हैं, अमर का क्या कर लोगे? और क्या, वो तो मरेंगे नहीं। बोले मरेंगे नहीं लेकिन रहेंगे भी नहीं। और क्या? तो क्या करोगे? क्या? हनुमान जी ने कहा कि राम जी की प्रतिज्ञा है कि इस धरा को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, धरा पर निशाचर नहीं रहने दूंगा। तो फिर क्या करोगे? बोले जहां तक ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, आप कुछ भी चीज ऊपर को फेंकिए नीचे को आएगी। और क्या? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, खींच लेती है। तो हनुमान जी ने उन अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेटा, पूंछ में लपेटा।
क्या बात है मुकेश? पूछ में लपेटा और आकाश की ओर ले उड़े। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता वहीं छोड़ेंगे, ये धरती पर नहीं आने देंगे। Let's go.
आग लग गई कि कर्ज हनुमान का हम कैसे पटा पाएंगे छुपा पाएंगे। हमने उत्तर लिखना प्रारंभ किया, आपके हमने दो अंतर सुने, हमने कहा चलो मामला सही है, हमने कहा उत्तर दे देंगे कि हम ऐसे चुका पाएंगे, लेकिन आपने उसको जब बता दिया कि ये करेंगे वो करेंगे तो हमने उस भाव को बदल दिया। आखिर भरत जी से कह रहे भगवान राम की हम हनुमान का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। लेकिन एक दिन माता जानकी से भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या जानकी? भाई हो तो भरत सा, क्योंकि एक चौपाई आई है मानस में, राम सरिस भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, और जग जपे राम तो राम जपे जेही। संसार राम को जपता है लेकिन राम भरत जी को जपते हैं। भरत का कर्ज में कैसे चुका पाऊंगा? तो माता जानकी कह रही है सुनिए उत्तर बात वहीं से। जो झुका हमको, जानकी जी कह रही है कि हे नाथ जो झुका हमको सिर उसको झुका देंगे हम, चल के द्वापर में सारा कर्ज चुका देंगे हम। जो झुका हमको सिर उसको झुका देंगे हम, अरे चल के की तरफ से जो एक अच्छे कीर्तनकार हैं फिरोजाबाद के, उनकी ओर से फिर उत्तर पंक्तियों पर ये माला और 100 रुपया का शाय स्नेह मुझे पारितोषिक प्रदान कर रहे हैं, हृदय से नमन है। माता भगवती स्नेह उनका भंडारा भर रखे हैं। जानकी जानती जान से प्यारे है भरत, और ये दादा जो हमारे गुरुवर विराजमान है उनकी ओर से भी मेरे लिए 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, हृदय से उनके चरणों में नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना है, कहना है। माता जानकी बोली अरे जानकी जानती जान से प्यारे है भरत, अरे जानकी जानती की जान से प्यारे है भरत, तीन भाई है मगर सबसे न्यारे है, तीन भाई है प्रभु आपके, तीन भाई है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आप चौथे हैं, तीन भाई है मगर सबसे न्यारे है भरत, अपने दर्जे से दादा दादा ये लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल अपने दर्जे से दर्जा इनका बढ़ा देंगे हम।
कौन सा अवतार होना है आपका? आप बनेंगे छोटे, आप बनेंगे छोटे, ये बन जाएंगे बड़े। देखे आप कैसे त्रेता का तृतीय बंधुत्व अमर हो जाए, त्रेता का तृतीय बंधुत्व अमर हो जाए, जाके द्वापर में बंधुवर का असर हो जाए।